हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स वॉयज में फिर से आपका एक बार और स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे चैनल फिजिक्स वॉयज को। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th सिलेबस की का, और वो है लाइट। तो आइए बात करते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट क्या होता है? तो देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज लाइट, तो आपका आंसर क्या होगा? तो लाइट क्या होता है कि सबसे सिंपल आंसर तो ये होता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि हमें क्या करती है, सेंसेशन देती है किसका, विजन का, जिसके कारण हमें दिखाई देता है। तो आप सोचिए, जब आप लाइट में नहीं होते हैं तो क्या होता है? जब आप लाइट में नहीं होता है तो आपको दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये है कि जब आप लाइट में आते हैं तो दिखाई देने लगता है। इसका मतलब है कि लाइट is that form of energy which makes you enable to see objects. Okay, so basically light is a part of the electromagnetic spectrum which makes things visible to us. Light electromagnetic spectrum का वो part होता है जिसके कारण हमें क्या होती है, चीजें दिखाई देती है। तो देखिए, ये पूरा स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इस तरह से है। अलग अलग वेव्स हैं, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, इस तरह से ये पूरा स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और इसमें यहाँ पर गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो, ये सारी रेज हैं। अब अगर आप विजिबल को देखें ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि जो विजिबल लाइट रेज हैं, विजिबल लाइट रेज विद योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, सो इस तरह से ये डिवाइडेड हैं। और ये जो रेंज है, ये विजिबल क्यों बोली जाती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड विजिबल। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? अभी जैसे हमने इस वर्ड को पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इसका मतलब क्या है? तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। देखिए, स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें अलग अलग वेवलेंथ के क्या होती हैं, रेज मौजूद होती हैं, जैसे गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रा रेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स है, और उसमें से विजिबल लाइट जो है इस पर्टिकुलर वेवलेंथ, ये मीटर्स में है, इसमें पाई जाती है, है ना? अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहाँ पर बताया गया है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसा हमने बोला है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, एरो में बताई गई है, और यहाँ पर इस तरफ रेड में जो मैग्नेटिक फील्ड बताई है। तो देखिए, ये दोनों जो होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, ये वाला जो प्लेन है ये एक्चुअली ये कौन सा प्लेन है, आप देखेंगे कि ये वाला, देखिए ये वर्टिकल प्लेन है, तो ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। आई बात समझ में? तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स जो है, इनमें ये वेरी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल प्लेन में वेरी कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम फेनोमेना रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, रिलेटेड टू लाइट, एंड बेसिक, मोस्ट बेसिक फेनोमेना विच इज देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमने पहले भी बात की थी रिफ्लेक्शन के बारे में। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into the same medium once it hits a surface is called reflection. So, जैसे ये incident ray है और ये reflected ray है. So, this is what is called bouncing back of light. मतलब light जो है वो क्या होती है, bounce back करती है, that is called reflection. इस ray को incident कहते हैं और इसको reflected ray कहते हैं. अब आप इसको देखिएगा, ये light incident हुई, ये reflect हुई, है ना? तो ये जो है यहाँ normal है. Normal हमेशा perpendicular होता है surface के, है ना? नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। सर्फेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। नॉर्मल से जो एंगल इंसिडेंट रे बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसको क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो ये जो है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। मतलब लाइट जो है स्ट्रेट लाइन पाथ जो फॉलो करती है उसको क्या कहते हैं, अपन रे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। अब जैसा हमने बात की थी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो देखिए दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट रेज विच इंसिडेंट पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ हाईली स्मूथ प्लेन पॉलिश सर्फेस विच इज कॉल्ड मिरर। इफ इट इंसिडेंट ऑन सच अ सर्फेस
then after reflection also these light rays they remain parallel. And if it happens, then such light rays are said to be such a reflection is said to be regular reflection. ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या कहा जाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है. अब यहाँ देखिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन, मोस्ट ऑफ द सर्फेसेस जो होती हैं वो माइक्रोस्कोपिकली देखने पे क्या रहती है? इरेगुलर होती हैं. ठीक है, ये तो रेगुलर है, लेकिन ऐसी क्या होती है? इरेगुलर सर्फेसेस होती हैं. तो ये जो इरेगुलर सर्फेसेस होती हैं, इसमें क्या होता है कि लाइट रेज विच इंसिडेंट पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे वोंट रिमेन पैरेलल. रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं रहते हैं. तो देखिए जब भी कभी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा किसी सरफेस से, तो वहां पर सरफेस पर ऑब्जेक्ट की इमेज क्या होती है? बनती है. लेकिन जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनती है सरफेस पर, है ना, इमेज इज नॉट फॉर्म. इसीलिए एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाई कैन यू सी योर इमेज ऑन अ प्लेन मिरर, इन अ प्लेन मिरर बट यू कैन नॉट सी इट इन अ न्यूज़पेपर. क्योंकि प्लेन मिरर की सरफेस क्या होती है? हाईली स्मूथ प्लेन पॉलिश सरफेस होती है. लेकिन जो न्यूज़पेपर है उसकी सरफेस कैसी रहती है? वो दिखती माइक्रोस्कोपिकली कैसी है? ऐसे तो वो प्लेन दिखती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली इट इज, माइक्रोस्कोपिकली व्हेन यू सी इट इज रफ. एंड व्हेन इट इज अ रफ सरफेस देन इन दैट केस व्हाट हैपेंस दैट लाइट रेज व्हिच इंसिडेंट पैरेलल टू ईच अदर वोंट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन. ओके, और ऐसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन में फिर आपको वहां पर इमेज दिखाई नहीं देती है. ठीक है, तो देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन बताया आपको, प्लेन मिरर में रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना. अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन का एक और एग्जाम्पल है. अगर स्टिल वाटर सरफेस है, स्टिल वाटर लेक सरफेस है, तो इस पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो इमेज है उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की दिखाई देती है. यहाँ पर चंद्रमा की जो का जो प्रतिबिंब है वो सुंदर प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है. व्हाट इज अ मिरर? मिरर होता क्या है? तो देखिए मिरर, एनीथिंग, एनी स्मूथ सरफेस ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इज अ मिरर. कोई भी स्मूथ सरफेस जिससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसको मिरर कहते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड मिरर. ठीक है, तो कोई भी हो सकता है. इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ये होता है कि लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं रहते हैं, और इसलिए जो है यहां पर इमेज नहीं फॉर्म होती है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लाइट रे व्हेन इंसिडेंट, जस्ट मिनट, सो यू सी हियर दैट हियर वी हैव अ मिरर. ओके, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज नॉर्मल. नाउ यू कैन सी दैट दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, है ना. ये क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये जैसा देखिए आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, एक ही प्लेन में बन रहा है ये. इसका मतलब है कि ये क्या है? दे लाई इन द सेम प्लेन एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू ड्रॉ देम. क्लियर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो पहला तो लॉ मैंने अभी डिस्कस कर लिया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. नेक्स्ट लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो देखिए यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना, दे बोथ आर इक्वल. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये दो जो है ये लॉज ऑफ क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है. ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द प्लेन मिरर देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दिस केस. तो देखिए अगर जैसे प्लेन मिरर है उस पर परपेंडिकुलर अगर इंसिडेंट होता है तो लाइट रे जो है आप बताइए नॉर्मल से क्या एंगल बनाएगी? वो नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल बनाएगी, क्योंकि नॉर्मल हमेशा क्या होता है? सर्फेस के परपेंडिकुलर होता है. सो इफ इट इज मेकिंग अ 0 डिग्री एंगल विद नॉर्मल मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड ऑल्सो बी 0, एंड दैट्स व्हाई लाइट रे विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन टू द सेम पाथ, है ना, वो अपने ओरिजिनल पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी. ठीक है, तो इट वुड बी 0 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ वुड बी 0 डिग्री. इमेज क्या होती है? तो देखिए इमेज की ये थोड़ी सी कठिन सी डेफिनेशन है, पर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिलती हैं वहां पर जो उस रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे हम क्या करते हैं? इमेज को हम इमेज
ले सकते हैं, हमें इमेज मिलती है। और एक्चुअली वो क्या होती है, ऑप्टिकली फॉर्म डुप्लीकेट होता है ना। जैसे आपने वो पंचतंत्र की स्टोरी सुनी होगी, जिसमें कि खरगोश जो है वह शेर शेर को बताता है कि उसका एक और जो है प्रतिद्वंदी वहां पर आ चुका है ना। और वो एक्चुअली स्टोरी जो है उसमें उसको लगता है कि वहां पर वाकई में शेर है, लेकिन वो एक्चुअली उसका क्या था, ऑप्टिकली फॉर्म डुप्लीकेट था, है ना। तो इससे आपको समझ में आएगा कि ऑप्टिकली फॉर्म डुप्लीकेट का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए, जो इमेज फॉर्मेट फॉर्म्ड होती हैं वो कैसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। तो देखिए कौन कौन सी इमेजेस होती है, तो इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब क्या है, वर्चुअल का मतलब ये है कि एक्चुअल नहीं होता है। देखिए प्लेन मिरर के पीछे इमेज, प्लेन मिरर के पीछे लाइट रेज नहीं जा सकती है ना। तो वो जो होती है एक्सटेंड बैक करने पे मिलती है, जैसे आपने यहाँ एक्सटेंड बैक किया है। तो याद रखिए ऐसी इमेजेस को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेजेस कहते हैं। सच इमेजेस आर कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये अगर कोई पर्सन है तो इसकी इमेज इस तरह बन रही है ना। अच्छा यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी वही क्या होगी, इमेज की भी साइज होगी प्लेन मिरर में, ठीक है। इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सामान्य शब्दों में कहें, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, ओके। तो ये इस तरह से होता है। फिर इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब देखिए, ये जो है ये अपना राइट हैंड ऊंचा कर रही है, लेकिन इमेज का क्या है, लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए, अगर आपने ऑब्जेक्ट पी लिया है तो उसकी इमेज यहाँ पर क्या दिखाई देगी, क्यू दिखाई देगी, ठीक है ना। पी ऑब्जेक्ट लेने पर इधर क्यू इमेज दिखाई देगी, ठीक है। अब देखिए इसमें एम्बुलेंस लिखा हुआ है उल्टा, पर इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, लेटरली इन्वर्टेड क्या है, एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन, ठीक है। Now you see virtual image as we are talking, कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज का मतलब, देखिए ये ऑब्जेक्ट है तो उसकी वर्चुअल इमेज यहाँ पर क्या हो रही है, इस तरह से बन रही है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, लाइट रेज जो ऑब्जेक्ट से आ रही है वो रिफ्लेक्ट होती है और उनको एक्सटेंड बैक करने पर आपको यहाँ पर इमेज क्या होती है, दिखाई देती है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके आपको और बता, ओके। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से वर्चुअल इमेज बन रही है, ओके। रियल इमेज क्या होता है कि देखिए, अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है, आपको एक्सटेंड बैक करना पड़ता है, एक्सटेंड फॉरवर्ड करना पड़ता है, एक्सटेंड बैक करना पड़ता है। रियल इमेज में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट्स एक्चुअली एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर देन द इमेज फॉर्म्ड इज नोन एज रियल इमेज। मतलब एक्चुअली अगर इंटरसेक्ट करता है तो जो इमेज होगी वो क्या होगी, रियल इमेज होगी। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर आप रियल इमेजेस को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेजेस को आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। वर्चुअल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन। अब हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स की। तो देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो अच्छा बताइए, अभी जो मिरर हमने पढ़ा था वो क्या था, वो प्लेन मिरर था। प्लेन मिरर क्यों था, प्लेन मिरर इसलिए था क्योंकि उसकी सरफेस प्लेन थी, है ना, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन थी, इसलिए उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। अब अगर वो स्फेरिकल मिरर है तो स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है कि उसकी जो सरफेस है वो क्या है, वह स्फेरिकल है, मतलब वह एक्चुअली स्फीयर का पार्ट है ना, एक हॉलो स्फीयर है जिसका पार्ट कट कर लिया गया है। सो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्फीयर का एक पार्ट क्या किया गया है, कट किया गया है ना। अ पार्ट ऑफ स्फीयर इज बीइंग कट, तो ये कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए एक ऐसा स्फीयर रहा होगा, इसको आपने कट कर दिया यहाँ से, और फिर ये जो देखिए इस तरफ अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया है कि इधर जैसे ये सरफेस है, तो देखिए इस सरफेस से इस तरफ मतलब राइट हैंड साइड आपने सिल्वर किया और उसको क्या कर दिया, सिल्वर करके उसके बाद में उसको ब्लैक पेंट कर दिया या कोई भी पेंट लगा दिया, जिससे कि सिल्वर को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिखा ही हुआ है सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्टेड बाय पेंट। सो इफ यू ऑयल पेंटेड टू प्रोटेक्ट सिल्वर लेयर, नाउ व्हाट हैपन सिल्वर, व्हाई डू वी यूज सिल्वर हियर, वी यूज सिल्वर सो दैट इट कैन रिफ्लेक्ट लाइट, बिकॉज सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब देखिए ये जो है ये सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ये अगर आप शेडिंग नहीं करेंगे इसका मतलब है कि वो मिरर नहीं है, है ना। इन दैट केस इट इज नॉट अ मिरर। अब देखिए क्या होता है कि ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये केव जैसा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको केव जैसा, यहाँ अंदर जाने के लिए जगह है, केव जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, है ना। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक है।
अब कॉनकेव मिरर, इन अ कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस और बेंट इन सरफेस, है ना, बेंट इन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा ये कॉन्वेक्स है, इसमें उल्टा किया है सिल्वर इस वाले को करके, इसी को क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है। पेंट कर दिया गया तो फिर क्या होता है, अब ये वाली जो सरफेस है जो बाहर निकली हुई है, उभरी हुई सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस होती है, और इसलिए इस तरह के मिरर को क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इन अ कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस और बेंट आउट सरफेस, है ना, उससे रिफ्लेक्शन होता है। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में। बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो देखिए जो मिरर है स्फेरिकल मिरर, जैसा मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ स्फीयर, है ना, पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, तो याद रखिए स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, ओके, इट इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। और ये याद रखिए आप कि होलो स्फीयर जो है उसका जो सेंटर है उसी को क्या कहा जाता है, स्फीयर का सेंटर कहा जाता है ना। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। तो ये सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है किसका, इस होलो स्फीयर का, जिससे इस मिरर को क्या किया गया है, कट किया गया है। ठीक है, अब यहां देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो देखिए आपको समझ में आएगा कि अगर आप इसको कट कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, एंड अगेन इन दैट ऑल्सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, है ना, उस होलो स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर क्या है, खुद एक पार्ट है। ठीक है, अब देखिए कुछ डेफिनेशंस है ना। तो देखिए आप यहां पर, अगर ये जो पॉइंट है वो पॉइंट पी, इसको कहा जाता है पोल, क्या कहा जाता है, पोल, दिस इज कॉल्ड पोल। तो देखिए पोल जो है ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है मिरर की उसका मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, है ना, इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको पी से डिनोट करते हैं। अच्छा पी और सी को ज्वाइन अगर हम कर देते हैं, इफ वी ज्वाइन पी एंड सी, सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ स्पेलिंग की मिस्टेक है, ये पी एल ही नहीं होगा, ये पी ए एल होगा, याद रखिएगा इसे, ये पी ए एल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए एल, ये गलत है, प्रिंसिपल पी एल ही नहीं होगा, पी ए एल होगा, है ना। अच्छा अब आप देखिए ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। बाकी की डेफिनेशंस में आपसे डिस्कस करता हूँ, है ना, यहाँ फोकस बताया और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात की है, मैं अभी बात करता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए यहाँ डिनोट किया गया है आर से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, मतलब ये जो होलो स्फीयर है जिसका मिरर पार्ट है या जिससे कट किया गया है, उस स्फीयर की जो रेडियस है उसे क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ में, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस है ना, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस है। जैसे मैंने बताया था पोल, द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाय लेटर सी। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट नहीं होता है, वो मिरर के क्या होता है, बाहर सिचुएटेड होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, डिनोटेड बाय लेटर आर, कैपिटल आर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, हियर द स्पेलिंग इज करेक्ट, ओके, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, क्लियर है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, अपर्चर, पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द मिरर, वो पोर्शन मिरर का जिस जहां से रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता है दैट इज कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर ऑफ द मिरर एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ द मिरर, अपर्चर जो होता है वो क्या करता है, साइज ऑफ द मिरर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, मतलब अगर अपर्चर बड़ा है तो साइज ऑफ द मिरर बड़ा है या वाइस वर्सा। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखिए लाइट रेज विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल जो लाइट रेज आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद में यहाँ फोकस एक पॉइंट है जहां पर कन्वर्ज हो जाती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस।
Light rays which incident parallel to principal axis after reflection passes through a point from the point on the principal axis, and this point is called focus, which is also called principal focus. It is called principal focus, and this length is called focal length. P or pole or focus ke beech ki jo length hai usko kya kaha jata hai, focal length kaha jata hai. Theek hai na, this is called focal length. यहाँ पर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रेज विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, दे अपीयर टू कम कम फ्रॉम पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, एंड लेंथ इज सेड टू बी फोकल लेंथ.